बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जात पर और उनकी आल पर। जहां जहां तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज की गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं उसमें इमरान खान को लब्बैक से क्या मसला है, पहले नंबर पे ये बात आएगी इमरान खान को क्या मसला है तहरीक लब्बैक से, और दूसरे बार नंबर पे बात आएगी कि साद रिजवी शहीद हाफिज मुबशर की माँ को जब फोन किया तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया जिसकी वजह से साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो रोने लग गए, अबदीदा हो गए। और तीसरी बात इसमें यह है कि नादिर बलोच जो सबसे पहले जो है उनने व्लॉग बनाया तो साद रिजवी साहब के ऊपर यानी तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्जाम लगाया। चौथी बात यह है कि हामिद मीर ने जो तहरीक लब्बैक के खिलाफ ट्वीट किया था, अब जब तहरीक लब्बैक ने उनको कहा कि ये बहुत ही घटिया इंसान है और लानत है इनके ऊपर, उसके बाद तहरीक उसके हामिद मीर ने जो है वो क्या अपना मौकिफ अपनाया है, तहरीक लब्बैक के हक में बोलना जो है वो शुरू हो गए हैं। इन सारी बातों की जो तफसील है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में जानेंगे, और सारी तफसील जानने से पहले मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह की वीडियो जो है वो देखते रहे, आपका और मेरा ताल्लुक इस तरीके से जुड़ा रहे। आप लोग उसे गिला है कि मेरी वीडियो जो है वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज मेहरबानी होगी कि सब्सक्राइब भी किया करें ताकि आपको हर तरह की खबर जो है इस पर मिलती रहे हैं। और इसमें एक और भी बात है कि तहरीक लब्बैक के वकील ने बहुत बड़े इंकशाफ किए हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारा ये सिस्टम है कि यहां पर केपीके में कोई भी झंडा लेके हमारा जो तहरीक लब्बैक का कारकुन है बाहर निकलता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और तहरीक लब्बैक के कारकुनों की जो लाशें हैं वो गायब हो चुकी हैं, हमें लाशें मिल ही नहीं रही, हम उनसे पूछते हैं तो वो मिल नहीं रही लाशें उनकी। इतना बड़ा जुल्म जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ किया जा रहा है, इसका जो है वो देखें कि क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से हटधर्मी कर रही है केपीके पुलिस। इसमें पहले जो हमने बात की थी इमरान खान को लब्बैक से क्या मसला है, मेरी इसमें राय, हालांकि हजरत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने भी इसमें अपना मौकफ जो है वो दिया है, जब उनसे सवाल किया गया था तो साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा, तो नाज़रीन हजरत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने इसका जवाब दिया कि सिर्फ तहरीक लब्बैक से जो है वो तहरीक इंसाफ को मसला नहीं है बल्कि पाकिस्तान में जितनी जो जमातें हैं उन सब जमातों को, उन सब जमातों में से यानी कुछ जमातें हैं जो तहरीक लब्बैक के साथ हैं, बाकी जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून हुई, नून हो गई और पीपल्स पार्टी हो गई, इसके अलावा फजल रहमान की पार्टी हो गई, ये जितनी भी जमातें हैं उन सब जमातों को तहरीक लब्बैक से मसला है। और वो मसला क्यों है आप सब जानते हैं कि उनको पता है तहरीक लब्बैक जो है वो जिस तरीके का मंशूर लेके आ रही है, इस्लामी एजेंडा लेके आ रही है, अगर वो इकतदार में आ गई, उनकी गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने सबका जो है झाड़ू फेर देना है, सबको जो है वो इसकी हिसाब की लाइन में लगा देना है, एहतसाब की लाइन में लगा देना है और बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। इसलिए कोई ऐसी जमात जो है वो नहीं चाहती कि तहरीक लब्बैक जो है गवर्नमेंट में आए यानी पावर में आए। और दूसरी बात, साद रिजवी साहब ने जो हाफिज मुबशर शहीद की मां को फोन किया, बॉडी का जो है वो पोस्टमार्टम करवाना था, तो उनकी मां से रब्ता किया, उन्हें सलाम किया कि मां जी कैसी हैं, उन्होंने कहा कि वालेकुम सलाम मैं बिल्कुल ठीक हूं, और कहा कि मुबारक हो आपको, साद रिजवी को कह रही हैं कि मुबारक हो आपको, और साद रिजवी साहब ने आगे से कहा कि मां जी आपके बेटे के जिस्म का जो है वो पोस्टमार्टम करवाना है, अगर आपकी इजाजत हो, हमें आपकी इजाजत चाहिए, अगर आपकी इजाजत हो तो हम उसका करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। उसकी मां ने जो जवाब दिया यकीन करें सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के, और टांगे जो है वो कपकपाना शुरू हो जाएंगी। क्या जवाब दिया उन्होंने सुने कि ऐसी माएं जो है वो यहां पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा साद रिजवी साहब को कि अगर मेरे बेटे के जिस्म के किसी हिस्से की वजह से इस तहरीक को तकवियत पहुंचती है, इस तहरीक को फायदा पहुंचता है, तो मेरे बेटे का एक एक मेरे बेटे की बोटी जो है वो इस तहरीक के लिए कुर्बान है, आप जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। यकीन करें कि इतनी बड़ी बात सुनकर तहरीक लब्बैक के अमीर हजरत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो सुनकर अबदीदा हो गए, रोने लग गए कि ऐसी माएं जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और ये पक्की बात है, हकीकत बात है कि ऐसी माओं के जिस ऐसी माएं हैं जिनके इतने हिम्मत और हौसले हैं, उन माओं की वजह से या तो पाकिस्तान महफूज है, यानी जब वो
ऐसे बेटे पैदा करके फौज में भेजती हैं और वो सरहदों पे जो है वो खड़े हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हम सुकून से यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। एक तो ऐसी माँ से जो है वो पाकिस्तान महफूज है, दूसरी ऐसी माएँ जिनकी हिम्मत और हौसला इतना बड़ा है कि तारिक़ लब्बैक में अगर कोई कारकुन शहीद हो जाता है तो उल्टा कहती हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, उल्टा मुबारकबाद देती हैं। तो ये बात सुनकर तारिक़ लब्बैक के अल्लामा हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ये बात सुनकर रोने लग गए, अबदीदा हो गए कि ऐसी माओं की वजह से तारिक़ लब्बैक जो है वो महफूज है, तारिक़ लब्बैक जो है वो मजबूत है। अब दूसरी बात, एक तो ये बात होगी, अब आते हैं नादिर बलोच की बात में कि नादिर बलोच ने जो बात शुरू में मौकिफ अपनाया था तहरीक लब्बैक का, जब ये बात हुई जलूस लेकर गए थे और मामला ये सारे हुए थे, इन मामलात को देखते हुए नादिर बलोच ने जो व्लॉग बनाना शुरू किए थे, पहले व्लॉग में उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी तहरीक लब्बैक के ऊपर, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, जिसकी वजह से उसके बाद भी उन्होंने व्लॉग बनाया उसमें भी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया और सवालों की जो है वो बुछाड़ कर दिया तहरीक लब्बैक के ऊपर। और तहरीक लब्बैक के चाहने वालों ने, कारकुनों के, जाहिर सी बात है तहरीक लब्बैक की छोटी जमात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क है और वो जहाँ जहाँ जाएँ तहरीक लब्बैक का बंदा आपको ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही नादिर बलोच ने ये बातें की तो नादिर बलोच को तहरीक लब्बैक के चाहने वालों ने जिस तरीके से आड़े हाथों लिया सोशल मीडिया पे, और जो उन्होंने व्लॉग बनाया, व्लॉग के अंदर जो उन्होंने कमेंट्स किए, यकीन करें कि उनको क्या मैं आपको बताऊं कि उनको नानी जो है वो याद दिला दी है। और इस तनकीद की वजह से या जैसे भी नादिर बलोच ने अपना मौकिफ जो है वो चेंज कर दिया है, नादिर बलोच ने हार मान ली है, हार अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, अब जो उन्होंने कल का व्लॉग बनाया उन्होंने तहरीक लब्बैक के हक में बनाया है और ऐसी ऐसी बातें की हैं कि तहरीक लब्बैक के हक में ये बात की है कि जो तहरीक लब्बैक जिस के खिलाफ जिस DPO ने एक्शन लिया है, ये तीन शहादतें हुई हैं, उस DPO के पास हम जाएंगे और वहां जाकर उनसे तस्दीक करेंगे कि अगर आप आगे कार्रवाई नहीं करने दे रहे तो इसकी वजह क्या है, क्यों कार्रवाई नहीं करने दे रहे भाई, ये पाकिस्तान के बासी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, आखिर वजह क्या है, आप लोगों ने शहीद किया और इतना जुल्म कर रहे हैं कि पानी तक नहीं दिया जा रहा उनको, और इनकी जो भी पोस्टमार्टम करवाने जाते हैं वो नहीं करवाने दिया जा रहा, ये सारे हालात क्यों हो रहे हैं। ये सारे बातें करने के लिए उन्होंने कहा कि हम पिशावर जाएंगे, उस DPO से ये जो है इंटरव्यू लेंगे। इसके अलावा भी तहरीक लब्बैक के हक में बातें की हैं, हम ये नहीं कह रहे कि तहरीक लब्बैक अगर झूठी हो गलत बात पे उनका साथ देना चाहिए, नहीं, जहां पर तहरीक लब्बैक की ज्यादती हो वहां तहरीक लब्बैक को भी कहना चाहिए तहरीक लब्बैक की जो है वो ज्यादती है, जहां पर तहरीक लब्बैक की ज्यादती ना हो तो फिर दूसरे लोगों को आड़े हाथों जरूर लेना चाहिए। अच्छा जी, ये बात हो गई, ये तो नादिर बलोच देर आए दुरुस्त आए, वो अपने मौके को जो है वो चेंज कर गए और मान गए। तीसरी बात, चौथी बात यह है कि हामिद मीर के हवाले से, जब से हामिद मीर ने ये ट्वीट किया तहरीक लब्बैक के खिलाफ कि इनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, शहीद हो रहे हैं, ये वो सारा कुछ ट्वीट आप लोगों ने पढ़ा होगा, और तहरीक लब्बैक के अमीर हजरत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने उनके खिलाफ जब ये कहा कि ये हामिद मीर जो है, जब कॉन्फ्रेंस हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि ये हामिद मीर जो है ये लानती बंदा है, जब लानत भेजी उसके बाद तहरीक इसका हामिद मीर का जो है उनका भी मौकिफ चेंज हो गया। कल उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी आपको मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में दिखाऊं, और उस ट्वीट में लिखा हुआ है कि अगर इमरान खान जो है वो जुलूस का लेकर आए पिशावर से इस्लामाबाद की तरफ तो वो जायज़ है, उनका हक है, वो कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के बासी हैं, अगर इसी तरीके से तहरीक लब्बैक जुलूस लेकर जाए पिशावर की तरफ तो वो भी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, आप सबको पता है, वो अगर लेकर जाए जुलूस तो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, गोलियां मारी जाती हैं, उनके लोगों को शहीद किया जाता है, तो ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर रही है इमरान हुकूमत जो है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस बारे में उनको सोचना चाहिए, आखिर वो भी पाकिस्तान के बासी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, उनको भी हक मिलना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा मुल्क जो है इंतशार से जो है वो बचना चाहिए इंशाल्लाह। जैसे ही कोई अपडेट आती है वो अपडेट भी इंशाल्लाह आपसे रखेंगे आपके सामने, और फिलहाल जो है मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।